हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरा फिर से असम सीरीज वीडियो में, जो कि मैं गुवाहाटी में था। गुवाहाटी से आ गया हुआ अभी असम का एक डिस्ट्रिक्ट में, दोरंग डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी मैं फ़िलहाल दोरंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो आज जाने वाले हम लोग मतलब मैं जाने वाला हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ का एक गाँव, और उस गांव का नाम है कोलबारी। तो मेरा एक दोस्त के साथ जाने वाला हूँ उस काम के लिए। मतलब मैं ऐसे फुल टाइम यूट्यूब में काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसलिए मैं यूट्यूब में फुल टाइम काम नहीं कर सकता। तो मुझे बाकी काम भी करना पड़ता है मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद ही मैं यूट्यूब में काम कर सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम का वजह से मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। किसी किसी का काम से जब जाता हो तभी मैं शूट करता हूँ, ऐसे मुझे ज़्यादा ऐसे फ्री टाइम नहीं मिलता है। तो आज मेरा दोस्त के साथ जाने वाला हूँ उस गांव में जाके फिर इस डिस्ट्रिक्ट का एक मार्केट भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना, तो मिलते हैं वहाँ पे। चलो गाइस, लोग जा रहा है एक गांव में। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक रिक्शा में हम लोग सीमेंट लेके आए हैं, जो कि ऐसा करके हम लोग को मतलब वो भैया रिजर्व करके लेके आए हैं उन लोग का घर में सीमेंट ले जाने के लिए। तो रास्ता कुछ इस तरह है गाइस, ऐसा गांव का रास्ता ऐसा होता है, नॉर्थ ईस्ट का गांव का रास्ता ऐसा होता है गाइस। इतना छोटा है गाइस, देखो गाइस रास्ता है, बहुत ही छोटा है, देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं है गाइस, बहुत छोटा है। और इस तरफ ये सब क्या बोलते हैं, पत्थर। अच्छा पत्थर, ऐसा पत्थर, ये सब में खेती करता है क्या? हाँ, में? खेती होता है। अबे तो बहुत ज्यादा पानी होगा शायद, कैसे खेती होगा? पानी भी होता है तो खेती भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा पानी हो जाएगा तो गाइस खेती नहीं कर पाता है इधर में। कभी खेती बर्बाद हो जाता है। हाँ, कभी कभी बर्बाद हो जाता है और कभी अच्छा भी हो जाता है अगर नसीब अच्छा रहता है तो। बारिश के मौसम और पास में नदी भी है ना। हाँ। अगर नदी में ज्यादा पानी हो जाता है तो ये सब में भर जाता होगा ना। तो अभी जा रहे हैं हम लोग उस भैया का घर में जो सीमेंट डिलीवरी करने के लिए। और इस गांव का नाम क्या है? कोलबारी। हाँ, इस गांव का नाम है गाइस कोलबारी है। और कितना दूर है? और ज़्यादा नहीं है, पास में ही है। एक किलोमीटर? नहीं, एक किलोमीटर नहीं ना। तो अभी गाइस जा रहा हो, रास्ता कुछ इस तरह है, तो जाके मिलते हैं उस गांव का, क्या कैसा क्या है वो दिखाने वाला हो। तो चलो गाइस वहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरफ जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा है ऐसा प्रोसेस। तो ये गाइस इस गांव का नाम है कोलबारी। तो एक टाइम था जो कि यहाँ में बहुत मतलब केला का बागान था। अभी है कि नहीं इधर में? अभी थोड़ा कम है, अभी थोड़ा कम है। पहले बहुत हुआ करता था, पहले बहुत हुआ करता था शायद हम लोग तब पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप छोटा था। अच्छा, तब हम लोग खेल रहा था। हाँ, तब हम लोग शायद छोटा था, मैं तो दिखा नहीं लेकिन मेरा दोस्त उसको पता है। मैंने भी अच्छे से देखा नहीं लेकिन सुना है। अच्छा, तो मिडुला बैठो, तो जमा मिडुला बैठो, तो और कुछ ऐसा है गाइस इस गांव का घर सब ऐसा। मिडुला बैठो, ऐसा है गाइस घर सब यहाँ का। एक डील हो रहा था गाइस हम लोग को रिजर्व करने के लिए, मतलब 3 लोग इधर से कहीं में जाने वाला है उस जगह में। और अगर उस जगह में मैं जाऊँ तो दिखा दूंगा। तो फाइनली डील हो गया फिक्स ना। और 100 रुपये में, 100 रुपये में डील फिक्स हो गया। अभी इसको डिलीवरी करके हम लोग मतलब मेरा भाई जाने वाला है, मेरे को पता नहीं मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। और इस तरफ कुछ गाँव ऐसा है, ये गाँव ये सब घर वगैरह ऐसा है। और आगे में रुका हुआ है बंदा डिलीवरी लेने के लिए, तो अभी जाके उसको डिलीवरी देते हैं। और ये सब घर वगैरह बहुत ही सुंदर है,
गाइस। और हम लोग का नोटिस का गांव का घर सब बहुत ही सुंदर होता है, हालांकि असम स्टेट का, असम का। और पहुंच गया फाइनली गाइस हम लोग डिलीवरी जगह में। हम लोग आ गया था कुछ इस घर के लिए सीमेंट लाया गया था कुएं से, घर से वैसे दिया है खाली। हम लोग चाय दिया था, चाय पानी, चाय पानी भी पी लिया। और अभी थोड़ा दिक्कत है, कुछ अच्छा है घर, घर का पीछे कुछ इस तरह खेती वगैरह लगा के रखा है। ये सब क्या है, इसका नाम क्या पता नहीं, ये कुछ साग वगैरह है। और इधर कद्दू वगैरह लगा के रखा है गाइस, कुछ अच्छा। और इस तरफ कुछ साग वगैरह लगा के रखा है ऐसा। तो इस तरफ से देख के आते है गाइस क्या है इधर इस साइड में। और इस तरफ गाइस कुछ नहीं है, ऐसा रास्ता बंद है। और इस तरफ गाइस ऐसा है गांव का घर सब। और इस तरफ भी एक रास्ता गया है, कहाँ गया पता नहीं। अभी तो फिलहाल हम लोग इस तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम लोग फिर जाने वाला है मेरा भाई के साथ, जो एक डील हुआ था इधर से आदमी लेके जाना है। तो अभी नहीं जाने का, इधर जाने का टाइम नहीं है। तो ऐसा कुछ यहाँ का पानी रखने का जगह है, इसको खाल बोलता है यहाँ का लोग, असम का, इस डिस्ट्रिक्ट का लोग खाल बोलता है इस जगह को, ऐसा मतलब लेक को। और ऐसा अपना अपना जमीन में मतलब ऐसा बाउंड्री वाला देके रखता है। तो अभी मेरा भाई गाड़ी वेट कर रहा है और जाते हैं अभी हम लोग। इधर गाइस आ गया है हम लोग का भैया जी ऐसा लेके। तो इसका दाम बोल रहा है 1500, 1500 ना जोरा दूटा। और কিহর হয় এটো? এটো বেতি কয়, বেতি নিজে বনোৱা নেকি? এটো পেটৰ, পেটৰ তো ভাইয়ানে খুদ বনায় ইছলে ইছকা দাম জাদা হয়, মতলব হ্যান্ডমেড হে। আর এ সব জো হে এটো 500 টাকা, এটো 300 টাকা। আচ্ছা, আর এটো বহার কারণে এটো 200 টাকা। ইদার মে বহুত হি কস্টলি হে ইয়ার, हम लोग का उधर में तो 200-300 रुपया में ऐसा वाला मिल जाता है गाइस, लेकिन इधर में गांव है ना तो थोड़ा इधर में कॉस्टली ज़्यादा है, ठीक है। और इस तरफ गाइस कुछ ऐसा है, केला का पेड़ वगैरह है। और अरे मेरा भाई का गाड़ी जो कुछ ऐसा है, वाह भाई ने क्या क्या लाइट लगा के रखा है यार, ऊपर में भी फॉग लाइट है और नीचे में भी। तो हम लोग का गाड़ी में अभी जाने वाला है यहाँ से पैसेंजर, हम लोग का गाड़ी फाइनली रिजर्व हो गया है और अभी उन लोगों को पिकअप करके हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ेगा। और गांव में इस तरह साइकिल में सामान सब लेके घूमता है, हालांकि सब जगह में घूमता है। ये लोग यहाँ का लोकल है। और ऐसा गांव में ऐसा कुत्ता रहता है,
फ्रेंडली लग रहा है लेकिन पता नहीं ओ फ्रेंडली है क्या, देखता हो। हाँ भाई तू तो फ्रेंडली है, ऐसा है गांव का कुत्ता सब कुछ कुछ फ्रेंडली होता है, कुछ बहुत ही खारुस होता है। फाइनली हम लोग आ रहा है उस गांव से वापस फिर रिटर्न, जो जिसने रिजर्व किया था हम लोगों को, तो उन लोगों को छोड़ने के लिए अभी ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसा एक नदी है जो क्रॉस करना पड़ेगा अभी, तो मैं दिखा देता हूँ। ये इस नदी का मतलब स्विच गेट है, यहाँ से कंट्रोल किया जाता है इस नदी का पानी को, मतलब अगर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, कुछ ऐसा दिखता है अभी इससे इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, कुछ ऐसा है इसका प्रोसेस, ऐसे कंट्रोल किया जाता है। और जो ये देख रहे हो गाइस वो है इस गांव का ड्रेन मतलब नाला, यहाँ से पानी जाता है इस गांव का, जितना भी किसान सब है वो सबको खेती करने के लिए यहीं से ये नदी से ही पानी जाता है कुछ ऐसा। और हमें स्विच गेट है वो खोल देता है पानी जाता है, फिर बंद करने में वो हमें बंद हो जाता है कुछ ऐसा दिखता है। और अभी गाइस मेरा फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, तो अभी और शूट नहीं कर पाऊँगा, तो हेलो बाद में शूट करना पड़ेगा चार्ज में दे के, क्योंकि मेरा पावर बैंक भी नहीं है। और गाइस ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही दिखा पाया आप सबको, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड दे दूंगा जल्द से जल्द। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, तो आप वेट करो नेक्स्ट वीडियो आने तक। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मतलब इसको अपलोड करके मैं उसको एडिटिंग करूँगा, फिर ये अपलोड होने का बाद फिर उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है गाइस। तो तब तक क्या बोलो, टेक केयर भी नहीं बोल सकता, इतना दिन नहीं लगने वाला है, इतना टाइम नहीं लगने वाला है, तो देखते क्या होते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए आप लोगों का फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और आप लोग मेरा वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक सेकंड लगता है, और वो भी फ्री में, आपका MB भी नहीं ख़त्म होने वाला है, तो कर दो ना यार। एक सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, आपका एक सब्सक्राइब से मेरा पावर थोड़ा बढ़ जाता है कुछ करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस।